हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल क्लोज टू नेचर में। आज मैं अपने वर्किंग प्लेस से आ रही थी, मुझे कुछ काम था रास्ते में, तो मैंने साथ में देखा एक छोटी सी नर्सरी भी क्या बताऊँ, बिल्कुल थोड़े से ही प्लांट्स और कुछ पॉट्स रखे हुए थे। तो मुझे विंटर्स के फ्लावर्स लेने थे, पर देखा तो वो तो थे नहीं। और वही है, हम ऐसे ही होते हैं, प्लांट्स के दीवाने, कहीं पे भी दिख गए प्लांट्स और ले लिए। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग करी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे पता है आप में से भी बहुत लोग ऐसा ही करते होंगे, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल को, जो भी नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरी झटपट फटाफट शॉपिंग क्या क्या की। पहला प्लांट मेरा कनेर का, और मेरे पास चार कनेर ऑलरेडी हैं लेकिन वाइट नहीं था, तो ये वाइट फ्लावर्स का कनेर है और ये मैंने लिया। और इसका प्राइस 100 बताया उन्होंने, मुझे 90 में दिया थोड़ी सी बार्गेनिंग पर। नेक्स्ट ये गुड़हल भी मेरे पास तीन ऑलरेडी हैं, लेकिन ये कोई डिफरेंट बता रहे थे वो। देखो इसकी कली भी थोड़ी अलग ही लग रही है और इसके ऊपर पर्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा और मैंने ये भी ले लिया। ये उन्होंने 70-80 ऐसे ही दिया, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। नेक्स्ट ये पीस लिली की इच्छा मेरे को वैसे ही बहुत दिन से थी, मेरे पास एक भी नहीं था तो ये मुझे लेना था, ये मुझे दिखते ये तो मैंने उठा ही लिया। इसके रेट भी मैंने नहीं पूछे, उन्होंने लमसम जो लगाए मेरे ख्याल से 100 के आसपास ही हैं सारे। और ये वेरीगेटेड फाइकस वेरीगेटेड मैंने पहले भी लिया, लेकिन ये थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है, मुझसे इसकी ठीक से केयर नहीं हो पाई। और ये समर्स में जब हम इधर उधर जाते हैं तो एक आधे प्लांट का हमें झटका लगता ही है, जब वापस आते हैं वो नहीं चल पाता। तो ये फाइकस भी मेरा जब ख़राब हो गया था तो इसलिए मुझे लेना था, बहुत साल पहले भी लिया था जब तो मुझे ढंग से पता भी नहीं था कैसे केयर करते हैं। तो अब मैं फिर से ट्राई करूँगी और आई होप अब की बार मैं सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि मेरा अम्ब्रेला प्लांट भी ऐसे ही ख़राब हुआ था, लेकिन अब मैंने लिया वो अब अच्छा चल रहा है। तो ये मुझे लेना था, ये भी मैंने लिया, ये भी 80 रुपीज़ का ही दिया, थोड़ी सी बार्गेनिंग बाद में उन्होंने करी। और ये प्लांट मैं अभी सोच ही रही थी क्या है इसका नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बताया था इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग बताई थी उन्होंने। नेक्स्ट ये गार्डेनिया बता रहे थे, बहुत सारे नाम हैं पर मुझे गार्डेनिया ही ध्यान आया। और ये कहते हैं कि बहुत हार्डी प्लांट है, कैसे भी हो ये ज़रूर लगेगा, मरेगा नहीं। और मैंने देखा हुआ अभी इसके पत्ते पड़े हैं तो डस्टी हो रहा है काफ़ी, क्योंकि रोड साइड से लिया मैंने ये, तो ये अच्छा हो जाएगा। और एक ये अपराजिता की बेल, ये भी मेरे काफ़ी दिन से मन में थी, तो ये पूना वाली बता रहे हैं, लेकिन ये इतनी छोटी और ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में दे दी। और सारों की जब ली है मैंने बार्गेनिंग की थोड़ा सा, तो उन्होंने 500 में ही मुझे ये सारे दे दिए। तो लेने की इच्छा और भी थी पर मैं आज स्कूटर से थी तो स्कूटर पर इतने ही आ पाए, और ये भी बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई। तो कैसी लगी आपको ये शॉपिंग, और क्या आप भी ऐसा ही करते हैं, और इसी तरह से फ्लावर्स करते लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।